आज का क्वेश्चन जो आज है एवरेज पर आधारित प्रश्न है, जैसे कि औसत। औसत आज औसत का कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा, जैसे कि दिया रहेगा 1 2 3 4 5, उसके बाद डॉट 99 तक। जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 99 तक रहेगा। तो ये जो हुआ, ये जो क्या है, ये प्राकृत संख्या है। ये क्या है? प्राकृत संख्या। आपको बोल दिया जाए कि औसत जैसे निकालने के लिए, जैसे कि एन तक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एन का औसत क्या होगा, एन तक प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, तो इसी टाइप से बनेगा। अगर आपको बोल दिया जाए प्राकृत संख्या का औसत क्या है, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं प्राकृत संख्या का औसत। उसके बाद देखिए, जिसका बीच का डिफरेंट समान हो उसका औसत कैसे निकालें। जैसे देखिए, इसका जो है अंतर 1 का 2 3 का, 1 का 3 4 का, 1 का 4 5 1 का, इस टाइप से है। अब देखिए, इसका जो अंतर समान रहे, बीच का जो अंतर समान रहे, तब आपको क्या करना है, शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, औसत निकल जाएगा। जैसे कि औसत, तो औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट और उसके बाद 2 से भाग दीजिए, तो कितना 100, उसके बाद 2 से भाग दीजिए, कितना कट जाता है 50 बार। तो औसत हमको 50 निकल कर चल आया, औसत हमको 50 निकल गया। इस टाइप से आपको बना सकते हैं क्वेश्चन। जैसे कि ये हुआ प्राकृत संख्या है, ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है 1 2 3 4। वही जैसे कहता विषम संख्या, विषम संख्या लिखते हो जिसका डिफरेंट समान है, उसके बाद सम संख्या। जैसे देखिए, सम संख्या अगर लेंगे हम, जैसे देखिए 2, जैसे कि 2 4 6 8 10 और उसके बाद डॉट डॉट कितना तक 50 तक, 50 तक गए। ये क्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या, या आपको क्रमागत सम संख्या कह सकते हैं, क्रमागत सम संख्या, या क्रमागत प्राकृत संख्या, या एन का औसत क्या होगा, इतना संख्या दे दिया जाए कहेगा सम, सम संख्या एन का औसत क्या होगा। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को बना सकते हैं। जिस इसका देखिए डिफरेंट कितना है 2, इसका डिफरेंट कितना 2, जिसका भी डिफरेंट रहे, डिफरेंट अगर अंतर समान आ रहा है, तो शुरू वाला औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए शुरू और लास्ट को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, तो कितना था 52, 52 2 से भाग दीजिएगा कितना 26, यही हो जाएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में है, जैसे कि अगर आपको विषम संख्या दे दिया जाए, विषम संख्या या क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या कहिए या क्रमागत विषम संख्या कहिए, जैसे देखिए विषम संख्या दे दे, जैसे दे 1 3 5 7, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, उसके बाद आपको दे दिया जाए 55 तक, 55 तक दे दिया जाए, तो आप क्या कीजिएगा, 55 तक दे दिया जाए तो आप क्या कीजिए। जैसे देखिए इसका अंतर देखिए बीच तक, पहले देख लीजिए कितना समान है, समान है, अंतर समान है, वही जैसे इसमें क्रमागत कह दे विषम संख्या। और इस टाइप से अगर आपको रहे, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट जोड़िए, जिसका देखिए बीच का अंतर समान है उसको फर्स्ट और लास्ट जोड़ दिया, औसत निकल जाएगा। औसत इसका देखिए कैसे निकलेगा, औसत में जैसे फर्स्ट प्लस लास्ट 2 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 56 बटा 2, कितना हो जाएगा इसका 26 आंसर। इसका जो आंसर निकल कर 26 चल आएगा। अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको ध्यान पूर्वक देखना है क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन कहता है। 50 2 52 इसका, हाँ इसका 56, तो 56 इसका 28 हो जाएगा, 56 बटा 2 इसका हो जाएगा 28 आंसर। इस टाइप से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको आपको ध्यान को देखना है। जैसे देखिए ये क्या है, आप अगर ऐसे अगर पूछे आपको ये क्या है, ये कौन संख्या है,
तो ये जो है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्या है, इसको आप क्रमागत प्राकृत संख्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब देखिए इसको अगर ऐसे करके पूछ लिया जाए तो आपको अगर भाषा में दिया रहे तो इस टाइप से बनाना है। उसके बाद देखिए औसत निकाल लीजिएगा, उसके बाद देखिए समसंख्य क्रमागत समसंख्या कहे या समसंख्या तो उसका औसत क्या है, इस टाइप से आप बना सकते हैं। 10 जैसे पूछ लिया जाएगा 10 क्रमागत संख्या का औसत क्या है, 10 क्रमागत संख्या का 10 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या है, तो 10 को लिख लीजिएगा सम संख्या और उसको लास्ट फर्स्ट जोड़ कर भाग दे दीजिएगा। उसी प्रकार इसमें है कि अगर क्रमागत प्राकृत संख्या 20 को जितना भी दे दिया जाए तो क्रमागत दे दिए डॉट डॉट अंत में 20 दे देंगे, पूरे को लिखने की जरूरी नहीं है, 3-4 को लिख देंगे शुरू में और बीच में डॉट देकर अंत में बोला संख्या 20 तक बोला तो 20 लिख देंगे, उसका लास्ट और फर्स्ट को औसत निकाल लेंगे उसका निकल जाएगा। उसी प्रकार इसमें विषम संख्या पूछा, पूछ लिया जाए 30 को विषम संख्या, 30 को क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो लिख लीजिए 4-5 को शुरू लिखिए अंत में लास्ट में 30 तक 30 लिख लीजिए, शुरू अंत जोड़िए लिख लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। इसी प्रकार है अगर आप क्रमागत कहे विषम के सेम ही होता है, प्राकृत कहे कुछ भी, इसी में देखिए आपको n का औसत क्या होगा, सम संख्या प्राकृत सम संख्या का n का औसत क्या होगा, n का औसत यही होता है। इसी टाइप से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, n प्राकृत संख्या का औसत क्या है, n प्राकृत संख्या का औसत क्या है, ये भाषा वाला क्वेश्चन है, n प्राकृत संख्या का औसत क्या है, तो n प्राकृत संख्या n प्राकृत 50 n प्राकृत संख्या का औसत क्या है, 50 दिया है n प्राकृत संख्या पूछा है, तो n प्राकृत संख्या मतलब क्या, प्राकृत संख्या कौन होता है, यह आपको ध्यान पर जैसे देख प्राकृत संख्या जैसे देखिए 1 होता है 1 2 3 4 यहाँ तक लिखे, उसके बाद डॉट डॉट 50 तक लिखे, क्योंकि 50 तक पूछा है, क्योंकि 50 तक पूछा है प्राकृत संख्या। तो देखिए n 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या है, अब देखिए तो इसमें देखिए अंतर कितना का, 1 2 में कितना 1 का 2 3 में 1 का 3 4 में 1 का, बीच का जो अंतर समान है। समान जब तो औसत निकालने के लिए पूछा है तो औसत देखिए इसका कैसे निकलेगा, औसत बराबर शुरू और लास्ट को जोड़िए, शुरू और लास्ट को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए तो कितना 50 1 51 हो जाएगा बटा 2, 51/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको अब भाग दीजिएगा, भाग देने पर कितना आता है 2 2 4 उसके बाद 0.5 5 2 10 तो औसत हमको निकल कर 2.5 आ गया है। इस टाइप से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब देखिए इसी में 67 प्राकृत संख्या का औसत क्या है, 67 प्राकृत संख्या का औसत क्या है, तो 67 प्राकृत संख्या पूछा है तो इसका मतलब प्राकृत संख्या 1 से 67 तक, तो 67 तक पूछा है तो 1 से लेकर 67 तक, तो देखिए 67 तक है तो उसको क्या करें, औसत हमको निकालना है तो शुरू वाला और लास्ट वाला जोड़िए, तो औसत में औसत फर्स्ट और लास्ट 2 से भाग दीजिए कितना 68/2 निकल के आएगा कितना 34, तो हमको जो है औसत निकल कर 34 आ गया है। जैसे कि जैसे क्वेश्चन पूछे आपको शुरू को 3-4 को स्टेप याद रखना है, औसत को आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, 67 का प्राकृत संख्या औसत निकाल लिए, अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन में कहता है वो देखिए। क्वेश्चन में जो कहता है प्रथम 138 पूर्ण संख्या का औसत बताइए, तो पूर्ण संख्या कौन होता है, पूर्ण संख्या होता है 0 शुरू होता है 0 1 2 3 उसके बाद देखिए 138 तक, ये क्या हो पूर्ण संख्या। नंबर सिस्टम में आपको बता चुके हैं शुरू से लेकर अंत तक, इसलिए सम विषम और आभास सब कुछ बता दूँ, इसलिए आप उस वीडियो को देखिएगा आपको समझ में चलाएगा। नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में जाइएगा
देख लीजिएगा, जैसे कि देखिए जीरो से पूर्ण संख्या होता है जीरो शुरू, जीरो से एक दो तीन, तो क्या पूछा है प्रथम 138 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा, 138 तक है तो शून्य से लेकर 138 तक क्या है पूर्ण संख्या, इसका औसत। तो अब देखिए औसत निकालने के लिए, अब देखिए इसमें जो है अंतर देखिए क्या है, अंतर देखिए इसमें देखिए एक का, इसमें एक का, इसमें एक का, अगर किसी में भी औसत अगर पूछा आपको उसमें अंतर देखिए कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, अंतर अगर जैसे कि अगर 10-10 है सब में 10-10, 5-5 है, 20-20 है, कितना भी अंतर रहे, अंतर अगर सब में समान समान जा रहा है तब आप फर्स्ट और लास्ट जोड़िए दूसरे भाग दिया औसत निकल जाएगा, अगर अंतर समान नहीं है तो औसत नहीं होता है, इसलिए अंतर समान रहेगा। अब देखिए इसमें, इसमें आप करिए जीरो और लास्ट वाला जोड़िए, जीरो और 138 और दो से भाग दीजिए तो 138 बटा दो, तो कितना आंसर आता है 6 × 2 = 12, 6 उसके बाद 12 एक बटा 6 उसके बाद हो जाएगा 18 नौ बारी में, तो 69 इसका आंसर निकल कर चलेगा, इसका जो है आंसर 69 आ जाएगा। अब देखिए इसमें अगर जीरो आप नहीं भी लीजिएगा फिर भी आपको आंसर आएगा, जैसे कि अगर जीरो नहीं लेते हैं फर्स्ट और लास्ट जोड़िए आंसर, क्योंकि अगर जीरो नहीं भी लेंगे तब भी अंतर समान ही आएगा, अंतर समान आएगा, तब देखिए आपको जोड़िएगा तो जीरो अगर नहीं लेंगे तो पूरे संख्या एक संख्या घट जाएगा, घटेगा तो 137 100 तो 1 + 137 हो जाएगा बटा 2, तो 138 बटा 2 उसके बाद 69 आंसर चलाएगा। ऐसे करके भी आप बना सकते हैं, इसलिए जीरो भी आप मानिए को कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी मानना है फिर भी, लेकिन पूर्ण संख्या पूछे इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बनाना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रथम एन सम संख्या का औसत, प्रथम एन सम संख्या का औसत, इसका मतलब जैसे कि जो प्रथम है एन सम संख्या का औसत, जैसे कि अगर 5 सम संख्या का औसत औसत है तो n रहेगा दिया हुआ, इसमें जो आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रथम n 5 प्राकृत संख्या का औसत, प्रथम n 5 सम संख्या का औसत पूछ लिया जाए, तो 5 सम संख्या, तो सम संख्या कितना होता है 2, 4, 6, 8, 10 क्या है सम संख्या है, क्या है सम संख्या, तो सम संख्या जब है इसको इसका औसत, औसत आपको देखिए कैसे निकालना है, ऐसा टाइप क्वेश्चन में देखिए ध्यान रखो, देखिए क्वेश्चन में इस टाइप क्वेश्चन में दो इधर से छोड़िए दो इधर से छोड़िए, बीच वाला जो है यही हो जाएगा औसत, इसका औसत 6 हो जाएगा, इसका औसत 6। अब देखिए आप उसी भी टाइप से बना सकते हैं औसत, लास्ट और शुरू और लास्ट वाला जोड़िए दूसरे भाग दिया औसत निकल जाएगा, जैसे देखिए 2, 10 दो से भाग दिए 12 दो से उसके बाद 6 औसत हमको इस टाइप से भी निकल सकता है, लेकिन आपको इतना करने जरूर नहीं, यहीं आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसी टाइप से आप 2, 4, 6, 5 बोला 5 एन प्राकृत एन 5 सम संख्या, सम संख्या क्या बोला है प्रथम एन 5 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप इस टाइप से बना सकते हैं, इस टाइप से जिस टाइप को आपको अच्छा लगे उस टाइप से क्वेश्चन को आप बनाइए। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है प्रथम 9 सम संख्या का औसत क्या है, प्रथम 9 तो प्रथम 9 सम संख्या, तो सम संख्या कहता है तो सम संख्या कह रहा प्रथम 9 सम संख्या, तो सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, तो ये जो हुआ क्या है सम संख्या, क्या है सम संख्या, तो 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या, तो क्या कहता है क्या बोलता है प्रथम 9 सम संख्या, 9 पूछा है तो 2, 4, 6, 8, 9 9 सम संख्या का औसत पूछा है, तो औसत में देखिए इधर क्या है, इधर आप कहिए
चार संख्या इधर लीजिए, चार संख्या इधर, बीच वाला औसत आपका निकल गया, औसत आपको 10, औसत आपको 10 निकल गया। अब देखिए शुरू और लास्ट को जोड़िए, शुरू और लास्ट को जोड़िए औसत निकालने के लिए, शुरू और लास्ट को जोड़ने पर 2 और 18 को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, औसत आपका 20/2 10, औसत आपका 10 निकल गया। एक और तरीका इससे और शॉर्ट एग है, उसको आप कैसे कीजिएगा औसत निकाल, अगर सम रहे, अगर सम संख्या अगर आपको बोले इसका औसत निकालने के लिए, तो जैसे कि अगर क्या संख्या है, कितना है, प्रथम 9 सम संख्या, 9 सम संख्या, 9 में आप 1 जोड़िए 10 आंसर हो जाएगा। औसत निकालने के लिए अगर सम संख्या रहे, सम संख्या पूछे औसत 9 क्या कहता है, प्रथम 9 सम संख्या औसत, उसमें 1 जोड़ दीजिए औसत निकल जाएगा। अगर आप भूले हुए हैं तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, 1 से 87 तक सम संख्या का औसत क्या होगा, 1 से 87 तक। अब देखिए 1 से 87 तक पूछा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में चलिए आगे इसको देखिए, 1 से 87 तक बोला है, तो 1 से 87 तक तो 1 लिखिए, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 2 लिखे, उसके बाद देखिए डॉट 87 तक गए। अब इसमें क्या कहता है, 1 से 87 तक सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत कहता है, इसमें 87 सम संख्या नहीं है, 1 सम संख्या नहीं है, तो हमको जो हट सम संख्या विषम संख्या जो उसको हटाना पड़, क्योंकि हमको खाली सम संख्या का औसत लेना है, तो सम संख्या का औसत कैसे लेंगे। अब इसमें देखिए आपको ध्यान पर देखना है, तो कहता है सम संख्या का औसत, तो देखिए दिया हुआ है, तो 1 से लेकर 87 तक, तो 1 से लेकर 87 तक दिया हुआ है, 1 से 87 तक, तो 1 से 87 तक दिया हो, इसका बाद सम संख्या हमको पूछा तो 2 होगा जरूर, 4 होगा जरूर, इसके पहले 86 जरूर होगा, इसके पहले 86 जरूर होगा, तो 86 जब होगा तो हमको सम संख्या लेना है, तो सम संख्या फर्स्ट और लास्ट जोड़िए, सम संख्या क्या है, फर्स्ट क्या है 2, हमें सम संख्या 2 है तो 2 हम लिखेंगे प्लस, और उसके बाद सम संख्या लास्ट लास्ट में कितना है 86, 2 से भाग दीजिए कितना आता है 86 या 2 88, 88/2 तो 44, औसत हमको 44 निकल गया, औसत 44। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बनाना है, जैसे ही दिया रहे 1 से 87 तक सम संख्या होता हमको, क्योंकि सम संख्या को लेना है, सम संख्या लेना है, सम संख्या लेने के लिए 1 से 87 तो सम संख्या नहीं, उसके भीतर क्या क्या है उसको सम संख्या उसके भीतर वाला ले लीजिए और लास्ट और शुरू वाला जोड़ लीजिए। सम संख्या शुरू में कितना 2 है, लास्ट में सम संख्या कितना 86 है, उसको आप जोड़ कर बना लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन घुमा पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देखना है क्वेश्चन को। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 से 138 तक सभी सम संख्या का औसत क्या होगा, 2 से, तो 2 से शुरू होता है, 2 से कितना, 2 से 138 तक, तो 2 से 138 तक, 138 तक सम संख्या का औसत, सम संख्या ये है तो सम संख्या औसत, तो औसत इसका पूछा है तो औसत लेने फर्स्ट और लास्ट जोड़िए, 2 से भाग दीजिए 140/2 तो कितना हो जाएगा 70 आंसर इसका चलाएगा, इसका औसत 70 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 138 तक सभी सम संख्या का औसत, सब को हमको बोला है औसत, सम संख्या तो देखिए सम संख्या 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे करके सम संख्या होता है, तो देखिए इसका अंतर देखिए 2 4 2 का इसका अंतर 2, जिसका बीच का डिफ अंतर समान रहे, 2 2 10 10 20 20 30 30 50 50 1 1 समान रहेगा, डायरेक्ट आप शुरू और लास्ट को जोड़िए 2 से भाग दीजिए औसत आपको निकल जाएगा, इसलिए इसमें पूछा है 2 से 138 तक,
तो 2 से 38 तक, 138 तक पूछा, डैट हमको इतना करने को जरूरी है बीच में लिखने के, डैट लिखिए शुरू लास्ट और शुरू को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए औसत निकल जाएगा। क्वेश्चन प्रथम एन 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम एन 5 विषम संख्या का औसत, विषम संख्या कौन होता है, विषम संख्या होता है, देखिए क्या कहता है, पाँच को विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन होता है, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या इसका औसत पूछा है, तो औसत देखिए वो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, इसमें 2 इधर से 2 इधर से, 5 औसत हमको निकल गया, औसत हमको 5 निकल गया, इस टाइप से भी कर सकते हैं। एक देखिए एक और है, उसमें आप जिसका आप शुरू और लास्ट को जोड़िए औसत निकल जाएगा, जैसे देखिए शुरू फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, 10/2, 5, औसत हमको 5 निकल गया। अब एक और है जो तुरंत देखते ही बना दीजिएगा, जैसे देखिए आपको विषम संख्या है, अगर विषम संख्या आपको अगर पूछे, अगर विषम जैसे इसमें कितना प्रथम एन 5 विषम संख्या, विषम संख्या 5 है पूछा, तो इसमें करना जो पूछा वही विषम संख्या आंसर है, जो 5 इसमें पूछा है, इसमें प्रथम एन 5 विषम संख्या वही 5 ही आंसर है, अगर विषम संख्या रहेगा तभी, सम संख्या में नहीं होता, सम संख्या एक जोड़ना पड़ता है, अगर विषम में अगर 5 पूछा तो 5 ही आंसर, 7 पूछा 7 ही आंसर। अब देखिए आगे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछता है, आगे देखिए क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन कहता है प्रथम 7 विषम संख्या का औसत निकालें, प्रथम 7 विषम संख्या का औसत, 7 ही आंसर है, क्योंकि प्रथम 7 विषम संख्या का औसत या प्रथम एन 7 विषम संख्या का औसत, ऐसे करके पूछा तो 7 ही आंसर, ऐसे करके भी बना सकते हैं, जैसे देखिए प्रथम 7 विषम संख्या का औसत पूछा तो 7 को लीजिए, जैसे कि 1 लीजिए, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 11 के बाद 13, तो इसमें क्या गया 2, 4, 6, 7 को, तो देखिए 3 इधर से लीजिए 3 इधर से, औसत 7 आ गया, औसत 7 आ गया। अब लास्ट वाला शुरू वाला जोड़िएगा 1, 13, 14, 14 में से 2 भाग दीजिएगा 7 निकल का औसत चलाएगा, इसलिए हमको इतना करने के जरूरी नहीं है, अगर विषम रहे डायरेक्ट आप जो संख्या दिया रहे वही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, देखिए आगे क्वेश्चन कहता है प्रथम 69 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो कहता है प्रथम 69 विषम संख्या का औसत 69 ही होगा आंसर, उसका 69 होगा, उसका आंसर 69 ही होगा, क्योंकि इसमें प्रथम 69 विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का है तो वही आंसर आपको निकल जाएगा। अब देखिए आगे 2 से लेकर 158 तक सभी विषम संख्या का औसत निकालें, 2 तो एक सम संख्या है, 158 विषम संख्या है, इसका बीच का हमको विषम संख्या निकालना है, तो देखिए 2 से क्या कहता है 2 से 158 तक, तो 2 से 158 तक विषम संख्या का औसत, औसत हमको निकालना है, औसत निकालना है, तब देखिए विषम संख्या को लेना है, तो विषम संख्या क्या होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ देखिए विषम संख्या कौन है 157 हो जाएगा, 158 तो सम संख्या है, विषम संख्या 157 है। अब देखिए इसको, तो इसका औसत कतार निकालने के लिए, अब देखिए इसके देखिए इसका अंतर कितना, 2, 3 का अंतर 1, 3, 5 का 1, और 3, 5 कितना है, 3, 5 का 3, 5 कितना है, नहीं सम संख्या तो विषम संख्या, 3 और 5 का कितना 2 का, 5 और 7 का 2 का, सबका अंतर समान जा रहा है, क्योंकि शुरू में तो 2 तो है सम संख्या है, हमको सम संगत लेना नहीं है, हमको विषम संख्या लेना है, तो देखिए विषम संख्या में देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है 2, सबका अब देखिए इसका जितना विषम संख्या सबको 2 जाएगा, सबका 2 है, इसलिए विषम संख्या आपको करना है क्या, तो विषम संख्या में शुरू वाला 3 प्लस लास्ट वाला 157, 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा 160/2, कितना हो जाएगा 50, 80, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। तो क्या पूछा है,
218 सभी विषम संख्या का औसत निकाल लें, हमको 80 निकल कर चला आया आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब जैसे कि जैसे बताएं जिस विषम संख्या जैसे पूछे वैसे आंसर, इसमें तो ऐसे होगा नहीं क्योंकि इसमें शुरू में दिया हुआ है सम संख्या लास्ट में विषम, कहता बीच का हमको विषम संख्या बताइए, औसत हमको ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता 57 से 168 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या है। तो देखिए 57 तो एक विषम संख्या लेकिन 168 विषम संख्या नहीं है, सम संख्या। तो क्या कहा 57 से 168 तक, 168 तक इसका औसत हमको पूछा है, इसका औसत। तो औसत निकालने के लिए 57 तो एक विषम संख्या, 168 विषम संख्या नहीं है, इससे पहले 167 विषम संख्या। अब देखिए शुरू और लास्ट को जोड़िए, 57 प्लस 167 दो से भाग दीजिए, तो जोड़िए कितना होता है, तो हो जाएगा 224 हो जाएगा 224, क्योंकि 50 90 हो जाता है 224 हो जाएगा, दो से भाग दीजिएगा तो एक फिर एक कितना हो जाएगा 112, इसका आंसर जो हो जाएगा 112 हो जाएगा। जैसे ही पूछे आपको कि 57 से 168 तक सभी विषम संख्या का औसत, ये नहीं कि आप शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ दीजिएगा निकाल दीजिएगा, ऐसे आपको करना नहीं है। क्या पूरा, क्योंकि हम देखते हैं 57 एक विषम संख्या है, 168 एक सम संख्या, हमको विषम संख्या लेना है। तो इसमें देखें हम विषम संख्या है, अगर विषम संख्या नहीं रहता तो हम आगे लिखते विषम संख्या, इससे अगर यहाँ विषम संख्या नहीं है तो इसे हम पीछे लिए। इस टाइप से आपको शुरू और लास्ट को जोड़कर, तो शुरू हमको यही हुआ, अगर यहाँ भी रहता नहीं विषम संख्या रहता यहाँ अगर लिखते तो हमको यही लेना पड़ता। इसलिए जो कहे उस अनुसार से आप क्वेश्चन को बनाइए। चलिए क्वेश्चन को 63 से 198 तक, 63 से 198 तक सम संख्या का औसत क्या है। अब देखिए 63 से कितना है, 63 से कितना तक, 63 से 198 तक। इसमें देखिए सम संख्या भी निकाल सकते हैं, विषम संख्या निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अब हमको 63 है, तो 63 देखिए 63 ... उसका 198 तक। अब देखिए इसको, इसमें हम सम संख्या विषम संख्या कैसे, देखिए सम संख्या औसत। अब देखिए इसका औसत कैसे निकाले सम संख्या का और विषम संख्या का, तो देखिए अब देखिए सम संख्या, तो सम 63 सम संख्या है नहीं है, 198 सम संख्या है, तो इससे आगे हमको लेना है 64 सम संख्या हो गया। अब देखिए सम संख्या 64 प्लस 198 बटा 2, इसको जोड़िए कितना होता है 262 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 231 इसका आ गया। ये आ गया किसका, सम संख्या का औसत, सम संख्या का। अब विषम संख्या, तो देखिए विषम संख्या का, विषम संख्या औसत। अब इसका औसत निकालने के लिए, तो विषम संख्या कौन है, 63 विषम संख्या है, तो 63 लिखिए। इसमें विषम संख्या तो हमको लास्ट में पता नहीं है, इससे पहले लेंगे कितना 197, इसको जोड़ेंगे 197, दो से भाग देंगे कितना होगा 260 दो से भाग देंगे कितना आएगा 130 हो जाएगा 130। तो हमको विषम संख्या का औसत भी निकल गया, सम संख्या का औसत निकल गया। अगर आपको दिया रहे आप ऐसे करके देखिए क्वेश्चन को डील कर सकते, इसलिए अगर एक टाइप से अगर सम भी विषम भी कुछ भी दिया रहे उससे आप सम भी निकाल सकते हैं विषम भी निकाल सकते हैं।
ऐसे करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसीलिए सम और विषम में जिस अंत औसत में होता है जिसका बीच का डिफरेंट समान हो, दस दस, बीस बीस, एक एक, दो दो, तीन तीन, समान अगर डिफरेंट रहे तो औसत आप शुरू और लास्ट को जोड़िए निकाल लीजिए। जैसे देखिए इसमें 63 से 158, अब तो इसमें हम सोचते खाली विषम निकलेगा, लेकिन इसमें नहीं, विषम भी निकलेगा, सम भी निकलेगा, दोनों निकलेगा। समझ गए? चलिए।